मौसम में जिसको अपने राहुल जी पंचायत साहब है 9 साल से और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस फार्मर है, आपने बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जिसमें 1 लाख का भी आपको भी ताज होटल में मिला था, आपको कौन सा था वो? दादा साहिब फाल्के फिल्म मिनिस्ट्री को मिलता है, उसी के साथ में ऑर्गेनिक इंडिया की तरफ से धरती मित्र अवार्ड मिला। हाँ, धरती मित्र अवार्ड मिला आपको और आप प्रोग्रेसिव है, आप इस तरह के डिस्कस करते रहते हैं, आज यहाँ पे आए और अज्वले के बारे में कुछ बताएंगे। आज ये हमें डॉक्टर साहब की तरफ से अज्वला प्राप्त हुआ है, तो अज्वला डॉक्टर साहब ने मार्गदर्शन दिया है कि किस तरह इसको डेवलप करवाना है, किस तरह और पशुपालक है जो गांव में उनको देखे और पूरे गांव में अज्वला फैलाना है ताकि प्रत्येक किसान अज्वला का यूज़ कर सके और इसमें आधा है जो बट्टे में आधा अज्वला डालने से बट्टे की संख्या आधी कर सकते हैं, दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और क्वालिटी सुधर जाएगी और पशु है जो स्वस्थ भी रहेगा, तो पशु के लिए एक सुपर फूड का काम करेगा और एक अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला अज्वला है जो डॉक्टर साहब पिछले कई सालों से इस पर कार्य कर रहे हैं और कई गांव में बहुत सारे किसानों को डॉक्टर साहब ने दिया है, बकरी पालन वालों को, मुर्गी पालन वालों को और गाय और भैंस सारे किसानों को दिया है और डॉक्टर साहब अज्वला पे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का, उसी एक्सपीरियंस का लाभ लेते हुए हम ये अज्वला है जो हमारे फार्म पर डेवलप करेंगे और दूसरे किसानों को भी वितरण करेंगे और डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन रहेगा। अभी आपने जो मुर्गी का भी चाय थी इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी हमने डॉक्टर साहब के घर मोरिंगा की चाय पी है, ताज़ी मोरिंगा पत्ती की, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है और इस चाय में किसी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी और टेस्ट भी अच्छा है, अगर कोई मेहमान चाय कॉफ़ी या शिकंजी मना करता है तो उनको अपन है जो मोरिंगा चाय ऑप्शन में पिला सकते हैं जो कि शरीर के लिए भी अच्छी है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है और स्वास्थ्य के लिए ठीक है और मोरिंगा पत्ती को आप है जो पराठे बना के भी यूज कर सकते हैं, सुबह स्कूल वाले बच्चों को टिफ़िन में मोरिंगा पत्ती के पराठे बना के अपन उनको डाल सकते हैं और हेल्दी बहुत है। दूसरा, आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं गांव के अंदर, जैसे आपके शक्कर कंद है वो सबके निकाल दिए, किस तरह का काम करें तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हम एक फार्मर हैं और हमने जो पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू सिलेक्शन विधि के द्वारा बार बार सिलेक्शन करके 7-8 साल में हमने 2 वैरायटी डेवलप की है, एक तो सफ़ेद शकरकंद जो सबसे मिट्टी है और एक बीच में से गुलाबी है जो बिल्कुल शुगर फ्री है और जो शुगर पेशेंट है वो भी उनको खा सकते हैं, इसके अलावा उसी शकरकंद हम चिप्स बना रहे हैं और पाउडर भी बना रहे हैं जो सब्जी में ग्रेवी में डालने के पाउडर काम आ रहा है। मैंने सुना था कि आप बाजी के क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? बाजी एक मोटा अनाज है और वो शुगर और ग्लूटेन फ्री है, गेहूं में शुगर भी है और ग्लूटेन भी है, तो बाजरे के प्रोडक्ट हम कुरकुरे बना रहे हैं, बाजरे के लड्डू, चकली, मठरी, खाखरे और भुजिया, इस प्रकार हम बाजरे के बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी है और शरीर के लिए हेल्दी भी है और बच्चों के लिए विशेषकर बहुत हेल्दी है बाजरे के प्रोडक्ट। दूसरा, बाजरे के खीस भी तैयार कर रहे हैं? बाजरे का हम 3 तरह का खीस तैयार कर रहे हैं, एक तो गुड़ वाला मीठा, एक नमकीन और एक चटपटा, उसमें मसाला ही ऐड करना है, बाकी वो खीच एक तरह का है, उसमें अलग अलग मसाला डाल के अलग अलग यूज कर सकते हैं, उसमें हमारी पूरी रेसिपी है कि अगर आधा किलो खीच है तो उसमें कितना पानी देना है, क्या कुछ डालना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास है और हम जिनको देते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो आज आपसे अच्छा नॉलेज मिली मुझे बाजरे के बारे में, तरह तरह की चीज़ें के बारे में, और आशा है कि आप आते रहेंगे यहाँ पे और हमें इस तरह का जो खेती बाड़ी का ज्ञान देते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।